फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। अब इसमें कुछ टर्म है जिसको जानना बहुत जरूरी है और एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेमेस्टर में हम क्वेश्चन आए, इसलिए इसको ध्यान से समझना। कहा भी गया है भरोसा अगर खुदा पर है, भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है खुदा वही लिखेगा तो जो तुम चाहो। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो तुम चाहो, इसलिए सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मेहनत करो जो चाहोगे उम्मीद। स्टूडेंट के लिए या किसी के लिए स्टूडेंट का सबसे बड़ा लक्षण है धैर्य। धैर्य सीखना है तो श्री राम से सीखो, राम का राजा अभिषेक होगा, कल मैं राजा बनूंगा इस पर राम प्रसन्न नहीं है। राम को वनवास मिला इसका राम दुखी नहीं है, यही फैक्ट है जो जीवन में अमल करना है। सूरज सा मुझमें तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा मुझमें तेज नहीं पर दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तो मुझे कब तक रोकोगे, तो मुझे कब तक रोकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर मैं आगे बढ़ूंगा, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। कहने का मतलब यही है कि मेहनत इतना करो कि मिसफॉर्चून भी तुम्हारा पीछा करना छोड़ दे। इसलिए तुम्हारे हाथ में पर दो ही चीज है, मेहनत करो, मेहनत करो। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे फ्लैश पॉइंट ऑफ फायर पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो। बहुत जगह इसका डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दिया है जो कि बात हमको हजम नहीं होता है। डायरेक्ट डेफिनेशन कैसे लोग लिख देता है, स्टूडेंट कैसे समझेगा, जब तक इसको एनालिसिस नहीं किया जाए डेफिनेशन से कैसे समझेगा। लेकिन इसको मैं, इस पर मैं काम किया हूं, बहुत मेहनत किया हूं और इसमें बहुत सारा जो चीज है इसको आसान बनाने की कोशिश किए हैं। और यह पूरा वीडियो लेक्चर आप सुनिएगा तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंजॉय कीजिएगा, मजा मिलेगा, लगेगा कि इसमें रस टपक रहा है। तो सब्जेक्ट कोई नीरस नहीं है, नीरस और सरस तो टीचिंग पर डिपेंड है, आप बात को कैसे प्लेस करते हैं, कौन कौन बात को स्टूडेंट के सामने रखते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं फ्लैश पॉइंट समझाने का। ऐसे तो आप लोग जानते होंगे लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छा से समझिए। फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट पढ़ने के पहले आपको पता करना होगा कि कंबस्टिबल लिक्विड क्या है और फ्लेमेबल लिक्विड क्या है, ये बात को जानना पड़ेगा। तो पहला है कंबस्टिबल लिक्विड, कुछ जाना नहीं अब फ्लैश पॉइंट को डिफाइन करना शुरू कर दिया, कैसे बच्चा समझेगा कंबस्टिबल लिक्विड। अब फ्लेमेबल लिक्विड, दोनों का मतलब करीब करीब सेम ही रहता है, थोड़ा सा अंतर है।
कंबस्टिबल लिक्विड वह लिक्विड है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर जलता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको जला देंगे तो जल जाएगा। अब फ्लेमेबल लिक्विड वह लिक्विड है जो नॉर्मल टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर जलाने पर जलता है। तो कंबस्टिबल लिक्विड क्या हुआ, कंबस्टिबल लिक्विड इट विल बर्न इजिली एट नॉर्मल टेम्परेचर, बर्न इजिली एट नॉर्मल टेम्परेचर। कंबस्टिबल लिक्विड का डेफिनेशन क्या हुआ, बर्न इजिली एट नॉर्मल टेम्परेचर। पहले ये बात क्लियर होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर जलाने से आसानी से जल जाए वो कंबस्टिबल लिक्विड है। अब फ्लेमेबल लिक्विड क्या है, बर्न इजिली एवं नॉर्मल टेम्परेचर, थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर पर उसमें जरूरी रहता है। बर्न इजिली एट एबव क्या बोलिए, नॉर्मल टेम्परेचर। या तो पहला हुआ कि कंबस्टिबल लिक्विड क्या है, फ्लेमेबल लिक्विड क्या है। एक बात और आप लोग समझ जाइए, कंबस्टिबल लिक्विड और फ्लेमेबल लिक्विड खुद नहीं जलता है, कंबस्टिबल लिक्विड और फ्लेमेबल लिक्विड डू नॉट बर्न देमसेल्फ्स, खुद नहीं जलता है, उसके वेपर को जब एयर से मिक्स करते हैं तब जलता है। तो कंबस्टिबल लिक्विड एंड फ्लेमेबल लिक्विड डू नॉट बर्न देमसेल्फ्स, व्हेन दे मिक्स्ड एयर दे आर एबल टू बर्न। ई बात को हम लिखेंगे, आप देखिए कहने का बात है, कोई भी कंबस्टिबल लिक्विड फ्लेमेबल लिक्विड जलता कैसे है, जैसे लिक्विड है इसका मैकेनिज्म देखिए, लिक्विड है, लिक्विड को जब वेपर बनाएंगे, लिक्विड को जब वेपर बनाएंगे और वेपर को जब एयर के साथ मिक्स करेंगे तब यह बर्न होगा। ऐसा नहीं कि कंबस्टिबल लिक्विड को वेपर बना दिया और बर्न करने लगेगा, नहीं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कंबस्टिबल लिक्विड एंड फ्लेमेबल लिक्विड डो नॉट बर्न देमसेल्फ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंबस्टिबल लिक्विड एंड फ्लेमेबल लिक्विड डू नॉट बर्न देमसेल्फ, कंबस्टिबल लिक्विड एंड फ्लेमेबल लिक्विड डू नॉट बर्न देमसेल्फ, इसका वेपर अपने आप नहीं जलता है, डू नॉट बर्न देमसेल्फ्स। बर्न देमसेल्फ्स बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कंबस्टिबल लिक्विड एंड फ्लेमेबल लिक्विड डू नॉट बर्न देमसेल्फ्स। क्या लिखे हैं, कंबस्टिबल लिक्विड एंड फ्लेमेबल लिक्विड डू नॉट बर्न देमसेल्फ्स। It is the mixture of vapor and air that burns. Air के साथ mix होगा तब, it is the mixture of vapor and air that burns. It's a theory है, जलने का theory है. It is the mixture of vapor and air that burns. That burns. ठीक है, यह जो है आपको फ्लैश पॉइंट समझने में बहुत हेल्प करेगा, इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लैश पॉइंट एंड व्हाट इज फार्म पॉइंट। इफ कंबस्टिबल लिक्विड इज नॉट क्लियर, फ्लेमेबल लिक्विड इज नॉट क्लियर, बर्निंग इज नॉट क्लियर,
इसका मतलब है कि आप फ्लैश पॉइंट को रख लीजिएगा, समझ नहीं सकते। अब आगे देखिए, इसके बाद जलना शब्द है, पेट्रोल है उसके वेपर को हम जला दिए, किरोसिन है जलता है, जलने के लिए कंडीशन क्या है, एसेंशियल कंडीशन फॉर फायर, कोई आग कैसे जलता है, एसेंशियल कंडीशन फॉर फायर, एसेंशियल कंडीशन फॉर फायर, जलने के लिए क्या जरूरी है, अ फायर, कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड या कंबसिबल लिक्विड कैसे जलता है, तो एसेंशियल कंडीशन ऑफ फायर। तीन चीज जरूरी है, हीट, फ्यूल, एयर। अगर फ्यूल है हीट नहीं दीजिएगा तो नहीं जलेगा, फ्यूल है हीट दीजिएगा तो नहीं जलेगा, तीनों मिलेगा तभी मिलेगा। इसलिए इसको हम लोग जलने के लिए, आग को जलने के लिए तीन एलिमेंट जरूरी है, थ्री एलिमेंट्स कंडीशन फॉर फायर, कौन कौन, हीट, फ्यूल और एयर। इसी को हम लोग ट्रायंगुलर फायर भी कहते हैं, ट्रायंगुलर फायर, तीन है इसीलिए नाम है ट्रायंगुलर फायर। कभी कभी पूछ लीजिए किसी को ट्रायंगुलर फायर क्या है, तो कहेगा ट्रायंगुलर फायर क्या है, फायरिंग में हमको दिक्कत है, तो ट्रायंगुलर फायर तो बात की बात है। ट्रायंगुलर फायर के लिए, माने फायर के लिए तीन चीज क्या जरूरी है, हीट, फ्यूल एंड एयर। उसी प्रकार एक होता है टेट्राहेड्रल फायर, टेट्राहेड्रल फायर। तो आप लोग तो सोच रहे होंगे कि ट्रायंगुलर फायर तो ठीक है, देखो टेट्राहेड्रल फायर क्या हो गया, टेट्राहेड्रल फायर, टेट्राहेड्रल फायर देखने से ही लग रहा है कि इसमें चार एलिमेंट जरूरी होगा, चार एलिमेंट जरूरी होगा, पहला हीट, दूसरा फ्यूल, तीसरा एयर और चौथा, ये सब भी है, केमिकल रिएक्शन सस्टेन नहीं होगा तो आग हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन चेन होना चाहिए, आग जलता है बुझता है क्यों हो जाता है, चेन नहीं मिल पाता है, केमिकल रिएक्शन चेन। ये हो गया टेट्राहेड्रल फायर, ट्रायंगुलर फायर हो गया, टेट्राहेड्रल फायर हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आसान लिख देते हैं, वेपर मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लैश पॉइंट को समझने के लिए, वेपर मॉलिक्यूल मिक्स्ड विथ एयर, वेपर मॉलिक्यूल मिक्स्ड विथ एयर फॉर्म्स कंबस्टिबल लिक्विड। फ्लैश पॉइंट समझने के लिए कंबस्टिबल लिक्विड समझना होगा, फ्लैश पॉइंट समझने के लिए फ्लेमेबल लिक्विड समझना होगा, फ्लैश पॉइंट समझने के लिए ट्रायंगुलर फायर समझना होगा, फ्लैश पॉइंट समझने के लिए टेट्राहेड्रल फायर समझना होगा, फ्लैश पॉइंट समझने के लिए लिक्विड स्वयं नहीं जलता है बल्कि एयर के साथ मिक्स करता है तब जलता है, इस बात समझना होगा। अब आगे देखिए,
पता कैसे है इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई भी लिक्विड जलता कैसे है इस पर ध्यान दीजिएगा। फ्लैश पॉइंट को बाद की बात है, पहले लिक्विड जलता कैसे है, आयल जलता कैसे है, फैट जलता कैसे है, वैक्स जलता कैसे है, आयल फैट्स वैक्स जलता कैसे है, उसका बेसिस देखिए। ये हमारा कोई लिक्विड है, यहां पर क्या होगा जब इसको हम हीट करेंगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर बनेगा, लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर बनेगा, वेपर बनेगा, सरफेस का मॉलिक्यूल वेपर बनेगा, सरफेस का मॉलिक्यूल वेपर बनेगा। यह जो वेपर बना, वेपर बना, बेसिक बात समझिए, पहला है कि लिक्विड को वेपर बनना है, और वेपर जो बना एयर के साथ इसको मिक्स होना चाहिए, वेपर बना वो एयर के साथ मिक्स करेगा, अब इसमें जलने का टेंडेंसी आ जाएगा। तो वेपर बनना है, एयर के साथ मिक्स करना है, तब जलेगा। अब वेपर बनने में क्या क्या कठिनाई होगा इसको सोचना है। वैक्स है, लिक्विड स्टेट में अगर है, अगर लिक्विड का डेंसिटी हाई है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर लो होगा, अब बॉइलिंग पॉइंट भी अगर हाई होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड लो होगा। दो पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, तो जितना आसानी से वेपर बनेगा उतना जल्दी कैच फायर करेगा, आसानी से वेपर नहीं बनेगा तो कैच फायर नहीं करेगा। तो वेपर बनने में दो ऑब्स्टकल है यहां पर, एक डेंसिटी और दूसरा बॉइलिंग। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ डेंसिटी इज हाई का मतलब है इंटर पार्टिकल फोर्स हाई है, इंटर पार्टिकल को हर से जल्दी वेपर नहीं बनेगा। इफ डेंसिटी इज हाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर एट इवन टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर एट इवन टेम्परेचर इज स्लोअर, अगर लिक्विड का डेंसिटी हाई है तो वेपर बनने का रेट बहुत स्लो होगा, और रेट स्लो होगा तो आसानी से वह बर्न नहीं होगा। दूसरा, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई है मतलब वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम है तो जल्दी वेपर नहीं बनेगा, अब वेपर जल्दी बनने नहीं बनेगा तो एयर के साथ मिक्स नहीं होगा, एयर के साथ मिक्स नहीं होगा तो जल्दी नहीं बर्न करेगा। तो थर्ड पॉइंट, इफ बॉइलिंग पॉइंट इज हाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर एट गिवन टेम्परेचर इज स्लो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर एट गिवन टेम्परेचर इज स्लो। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लैश पॉइंट के लिए दो पॉइंट आपको जानना पड़ेगा, अगर लिक्विड का डेंसिटी हाई है तब क्या होगा, अब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तब क्या होगा, वेपर कम बनेगा ज्यादा बनेगा, कम क्यों बनेगा ज्यादा क्यों बनेगा, इस सब बात को समझना है। इसको स्क्रीनशॉट बढ़ेंगे, बहुत रोल है, तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है लो है उसी पर डिपेंड है फ्लैश पॉइंट क्या होगा लिक्विड का।
माने कि कोई लिक्विड है, ये वेपर प्रेशर है, एक टेम्परेचर है। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एज टेम्परेचर इंक्रीज है मोर मॉलिक्यूल्स आर एबल टू एस्केप लिक्विड सरफेस, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm होता है, या बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। मान लीजिए लिक्विड है, मान लीजिए 34 डिग्री सेल्सियस पर या वेपर का प्रेशर 1 atm हो जाए, 1 atmospheric pressure। इसका मतलब है कि 34 डिग्री सेल्सियस पर यह लिक्विड बॉयल करने लगेगा, या लिक्विड बॉयल तभी करेगा जब इसका वेपर 1 atm तभी होगा जब टेम्परेचर 34 के पहले नहीं है, 1 atm देखिए कम है उससे, 34 पर एक बॉयल करना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा इसका मतलब है कि अगर लो बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें क्या है बॉइलिंग पॉइंट लो, इसको मान लीजिए लो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जुड़े हम तो वेपर प्रेशर हाई है, बॉइलिंग पॉइंट कम है माने ज्यादा वेपर बन रहा है, वेपर ज्यादा कम बनेगा ज्यादा होल्ड टाइम होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट हाई वेपर प्रेशर। हाई बॉइलिंग पॉइंट अगर है माने 71 डिग्री सेल्सियस पर, या लिक्विड को 71 डिग्री सेल्सियस तब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ, एक बॉइल करने लगेगा। इसका मतलब है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो वेपर प्रेशर कम है, इतना टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर 1 atm हो गया, उसका 34 पर 1 atm हो गया, तो वेपर तेजी से बन रहा है कि वेपर स्लो बन रहा है, तो हम कह सकते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट लो वेपर प्रेशर। दो चीज पहले समझिए अच्छा से, दो चीज अच्छा से समझिए। सूट लिसेंट मेट्रिकुलसली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग बिहाइंड इट, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसमें क्या बात छिपा हुआ है, बताना है फ्लैश पॉइंट, सोच लीजिए फ्लैश पॉइंट अभी डिफाइन नहीं किया है। यही पॉइंट का इंतजार था बहुत देर से, इसी पॉइंट के लिए इतना हमको बताना पड़ेगा, वही पॉइंट आपको इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, इस डेवलप इंटरेस्ट फॉर लर्निंग। देखिए हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग एक बात यहां और समझिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है मतलब वेपर से ज्यादा बन रहा है तो जल्दी बॉइल कर लेगा, इसका मतलब है कि उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, रिएक्शन को होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को पार करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर उस बैरियर को पार करेगा तभी रिएक्शन। किसी को ऐसे समझिए ना, किसको आईएससी में जाना है तो उसको मैट्रिक पास करना ही होगा, बिना मैट्रिक पास किए हुए आईएससी में जा ही नहीं सकता, तो मैट्रिक हमारे एनर्जी बैरियर है। ऐसा अभी तक कोई सुने हैं कि आईएससी कर गया मैट्रिक फेल है, हम तो नहीं सुने आज तक, मतलब मैट्रिक एनर्जी बैरियर है। कहने का मतलब है वह तभी करेगा जब एनर्जी बैरियर को पार करेगा, एनर्जी बैरियर, अब एनर्जी बैरियर को पार कर गए आसानी से मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम,
और इसीलिए लिखते हैं हाई वेपर प्रेशर लो बॉइलिंग पॉइंट लो एनर्जी बैरियर मच 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 इंपॉर्टेंट लो। इसी को एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं, एनर्जी बैरियर को एक्टिवेशन एनर्जी, लो एक्टिवेशन एनर्जी, लो एक्टिवेशन एनर्जी, लो एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए हाई वेपर प्रेशर लो बॉइलिंग पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेपर प्रेशर हाई होगा आसानी से वेपर बनेगा, आसानी से उसका प्रेशर हो जाएगा, वहां एटीएम बॉयल करना शुरू हो जाएगा। अब लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी उसका लो है, बैरियर उसमें कम है। अब एक्टिवेशन एनर्जी लो है, इट बर्न इजिली, एयर के साथ मिलेगा आसानी से जल जाएगा, इट बर्न। इसका मतलब है कि जो आसानी से जल रहा है उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, वेपर प्रेशर हाई है, बॉइलिंग पॉइंट कम है। एक्टिवेशन एनर्जी जितना हाई होगा उतना आसानी से नहीं जलेगा, ऐसे समझिए ना इसको। मान लिया जाए कि 60% में फर्स्ट डिवीजन होता है, समझिए, तो 60% में अगर फर्स्ट डिवीजन है तो इसमें मानिए कि 2000 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन में आए, 60% रखेंगे तब। अगर फर्स्ट डिवीजन में 50% रख दिया जाए तब तो 2000 से ज्यादा आएगी कम आएगा, ज्यादा आएगा, मान लीजिए कि 4000 आएगा, ठीक है। देखो तो यह घटा रहे हैं तो यह बढ़ रहा है। अब फर्स्ट डिवीजन मान लीजिए रख दिए 40%, तब क्या होगा, अब 6000 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन में आ जाएगा मान लीजिए। अगर इसको 30% रख दिए तब क्या होगा, क्योंकि अब 10000 हो जाएगा रफली, कुछ हो जाएगा बढ़ जाएगा उससे। अगर इसको 10% रख देवे तब क्या होगा, मानी कि 50000 हो गया, 50000 हो गया। एक बात सोचिए, एक्टिवेशन एनर्जी को 0% कर देवे तब क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन 0%, मतलब जितना स्टूडेंट बैठा सब पास कर सब, और फर्स्ट डिवीजन और सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 हो गया इसका मतलब है जितना स्टूडेंट है सब पास, मानी इसमें 1,00,000 बैठा था 1,00,000। उसी प्रकार एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा सब मॉलिक्यूल आसानी से वेपर करना शुरू हो जाएगा, आसानी से वेपर, कोई बैरियर ही नहीं है, ऑल मॉलिक्यूल क्रॉस द बैरियर विदाउट एनी हिंड्रेंस। हाई वेपर प्रेशर, प्रेशर लो बॉइलिंग पॉइंट, लो एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है, क्या होता है। कभी कभी आप देखते हैं या पढ़े भी होंगे, यही बात आप लोग पढ़ते हैं, या लिक्विड है, इक्विलिब्रियम हिट किए, लिक्विड इज हीटेड, अब यहां पर वेपर बनेगा। ये वेपर जो बना एयर के साथ मिक्स किया, अब यह कंबस्टिबल वेपर हो गया, एयर के साथ मिक्स किया तो कंबस्टिबल वेपर हो गया। अब इसको हम जलाएंगे, वेपर को स्मॉल फ्लेम से जलाएंगे, स्मॉल फ्लेम से जलाएंगे तो वेपर जलेगा। अब देखा गया कुछ देर के बाद वेपर, ये हमारा फ्लेम बुझ गया, इसका मतलब है कि जब तक वेपर रहा तब तक जला, अब वेपर खत्म हो गया बुझ गया, ये तभी नहीं जलेगा जब तक वेपर रहेगा। अब बुझने का मतलब वेपर खत्म हो गया, कंबस्टिबल मिक्सचर खत्म हो गए, तो कंबस्टिबल मिक्सचर क्यों खत्म हो गया, चूंकि टेम्परेचर जिस समय जला वेपर खत्म हो गया उस समय वेपर प्रोड्यूस नहीं किया। इसका मतलब है कि टेम्परेचर इतना कम है कि वेपर का फॉर्मेशन इतना अधिक नहीं रहा कि जितना देर में वेपर कंज्यूम कर रहा था उतना देर में वेपर फॉर्म कर देता था, सो बात नहीं है। अब इसी को फ्लैश पॉइंट कहता है कि बुझने का मतलब है कि वेपर फॉर्मेशन का रेट उतना हाई नहीं है जितना होना चाहिए,
इट बर्न्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हेल्पर बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट हाई टू प्रोड्यूस इनफ हेल्पर टू सस्टेन द फायर, इसलिए बुझ जाता है। अगर इसका टेम्परेचर हाई रहेगा तो नहीं बुझता, भेपर जल गया फिर भेपर बन जाता फिर जलते रहता फिर भेपर बन गया फिर जलते रहता, बुझता कैसे ही? बुझने का मतलब है कि दे एक्सटिंग्विश फॉर वांट ऑफ भेपर। इसका मतलब है अब इसी को फ्लैश पॉइंट कहता, भेपर को बुझ जाना ही फ्लैश पॉइंट है। जला तुरंत बुझ गया, मतलब इतना कम टेम्परेचर है कि अब भेपर तो प्रोड्यूस किया लेकिन उतना नहीं प्रोड्यूस किया कि उसको कंज्यूम होने के बाद में उसका रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर नहीं है। रेट ऑफ कंजम्पशन इज वेरी स्मॉल द रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसलिए पूछ गया। यही फ्लैश पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर चलने के बाद फ्लेम हमारा बुझ जाता है। ये बुझ जाता है, आप समझ लीजिए। इट इज दैट टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर एट विच वेपर्स ऑफ फ्यूल, वेपर्स ऑफ फ्यूल मिक्स्ड विथ एयर, mixed with air, burn for a moment तभी जलेगा, फ्लेम लाएंगे। फ्लेम यहां पर स्टैंडर्ड है ऑन एप्लीकेशन ऑफ ऑन एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टीनी फ्लेम, उसका स्टैंडर्ड डायमेंशन है टीनी फ्लेम विद स्टैंडर्ड डायमेंशन, विद स्टैंडर्ड डायमेंशन। एक क्यों पूछ गया? दे एक्सटिंग्विश फॉर वांट ऑफ वेपर, इसको पहले स्क्रीनशॉट। डज नॉट कंटिन्यू बर्न, कंटिन्यू नहीं किया, डज नॉट कंटिन्यू बर्न, जलता नहीं रहा, बुझ गया पहले। इज कंटिन्यू, डज नॉट कंटिन्यू बर्न फॉर वांट वेपर, नहीं उसको मिल पाया। अब जलने के लिए तो वेपर भी जरूरी है, आग भी जरूरी है, हीट भी जरूरी है, तो एयर तो उसको मिल रहा था, वेपर नहीं मिला, बुझ गया। ए डज नॉट कंटिन्यू बर्न फॉर वांट ऑफ वेपर, इसका डेंसिटी इतना हाई है कि जितना देर में भेपर खत्म हो गया उतना देर में भेपर भेपर उस टेम्परेचर को बन नहीं पाया। जितना देर में भेपर कंज्यूम हो गया उतना देर में भेपर का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ भेपर इज स्मॉलर देन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ भेपर। ये बहुत मेन पॉइंट है, मीन्स रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ वेपर, कंज्यूम ज्यादा किया बना कम, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ वेपर, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ वेपर इज हायर देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ।
लिखे हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ वेपर इज नॉट, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ वेपर इज हायर देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिखिए स्क्रीन में, समझ। वेपर विल नॉट फॉर्म, वेपर विल नॉट फॉर्म एट ए रेट टू सस्टेन फायर, एट ए रेट टू सस्टेन फायर। वेपर उतना ही नहीं बन पाता है कि जितना हम सस्टेन करें। वेपर विल नॉट फॉर्म एट ए रेट टू सस्टेन फायर, एट ए रेट टू सस्टेन फायर इज नॉट हाई, नॉट हाई फॉर वेपर टू बी फॉर्म्ड टेम्परेचर इज नॉट हाई फॉर वेपर टू बी फॉर्म एट हाई रेट। इसीलिए पूछ जाता है इसीलिए बोल जाता है तो जिसका फ्लैश पॉइंट कम है वो आसानी से फ्लैश बना, फ्लैश बनाएगा बोल जाएगा। तो इसका यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में, उसका फ्लैश पॉइंट जिसका कम रहता है उसको सावधानी से काम करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आसानी से वेपर बनेगा अब बोझ जाएगा, लेकिन मैंने उसमें आग लगने की संभावना ज्यादा रहता है। तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो वेपर ज्यादा बनेगा, कुछ देर तक जलेगा। तो टेम्परेचर जिसमें वेपर थोड़ा देर तक 5 सेकंड तक जलता है, ये तो तुरंत बोझ जाता है, वेपर खत्म हो गया तुरंत। अब फायर पॉइंट, एट दैट टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ फ्यूल विथ एयर मिक्सचर बर्न एटलीस्ट 5 सेकंड तक स्टैंडर्ड है, एट विच वेपर ऑफ फ्यूल, वेपर सब फीवेल विथ एयर फॉर्म कमर्सिबल मिक्सर and continues to burn at least 5 seconds. Continues to burn at least 5 seconds on application of any flame. Application of any flame or a standard dimension. Any flame defined as standard dimension होना चाहिए इसका। इसका मतलब फायर पॉइंट में वेपर ज्यादा बनेगा, ज्यादा देर तक जलेगा 5 सेकंड तक। इसका मतलब फायर पॉइंट इज हायर देन कोल पॉइंट, फायर पॉइंट इज हायर देन हमेशा ज्यादा होगा। ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, और जनरली देखा गया है कि फायर पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हायर होता है जनरली। फायर पॉइंट is
4 to 40 degrees Celsius higher than that of flash time.